हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लास ऑफ देवस्य स्कूल. सो स्टूडेंट्स, टुडेज वीडियो इज बेस्ड ऑन ग्रामर एंड टुडेज टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज फ्यूचर टेंस. ठीक है, हमने चैप्टर नंबर 6 में सब टेंसेस वगैरह सब किए ही थे. प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, सिंपल कंटिन्यूस. तो आज हम देखेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में. हमारे पास 3 टेंसेस होते हैं, सिंपल टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस. ठीक है, तो ये है हमारा फ्यूचर टेंस. फ्यूचर टेंस यानी कि जो हम फ्यूचर में जो होने वाला है, वो जो अभी हो रहा है वो नहीं, जो पहले हो चुका है वो भी नहीं, जो अभी आगे होने वाला है, जो अभी आगे होने वाला है उसको हम फ्यूचर टेंस कहते हैं. ओके, वी सिंपल फ्यूचर टेंस मतलब क्या, जो हम हमारे एकदम हैबिचुअल जो रूटीन का है. शी विल ईट हर लंच, वो अपना खाना खाएगी. पर कब खाएगी, अभी उसने खाया नहीं, शी विल ईट, उसने अभी तक खाया नहीं है, वो अभी खाएगी, फ्यूचर में खाएगी. विल और शाल जब हम लगाते हैं ना, तो वो फ्यूचर टेंस में आता है. माई फादर विल वर्क फ्रॉम होम, मतलब फादर ने काम किया नहीं है अभी, ना कि फादर का काम हो भी चुका है, फादर अभी काम करेंगे. तो सिंपल फ्यूचर टेंस इज शोन बाय एन एक्शन दैट विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर. तो ये जो एक्शन होती है हमारी, ये जो फ्यूचर में होने वाली एक्शन है, अभी ये हुई नहीं है, ये एक्शन अभी फ्यूचर में होने वाली है. चलो अभी पेज टर्न करेंगे तो हमको थोड़ा एक्सरसाइजेस इसकी ज्यादा समझ में आएगी. ठीक है, अभी हम कैसे सिंपल फ्यूचर टेंस को कैसे हम बनाते हैं स्टूडेंट्स. तो शाल और विल लगा के प्लस वर्ब यानी कि जो एक्शन वर्ब है हमारा वो. फॉर फर्स्ट पर्सन वी विल यूज शाल और विल. जो फर्स्ट पर्सन, जो हम खुद बात कर रहा है, जो पर्सन खुद है, आई विल. ठीक है, मैं मूवी देखने जाऊंगा मेरे बर्थडे पे, तो आई विल गो. तो विल आया फर्स्ट पर्सन और वर्ब यानी कि एक्शन. ठीक है, तो आई विल गो फॉर अ मूवी ऑन माई बर्थडे. ओके, फिर वी शैल टॉक अबाउट दिस लेटर. तो टॉक है वर्ब, एक्शन वर्ब, और शैल, वी शैल मतलब हम अभी बात नहीं कर रहे, हम फ्यूचर में बात करेंगे. ओके, फॉर द सेकेंड एंड थर्ड पर्सन. सेकेंड पर्सन यानी कि जिसकी बात कर रहे हैं, जिसके साथ हम बात कर रहे हैं वो, और थर्ड पर्सन यानी कि मैं और वो नहीं, कोई दूसरा, तीसरा ही जन है वो. ही विल कम, कम यानी आना एक्शन वर्ब, और विल क्योंकि फ्यूचर टेंस है तो विल और शाल ही लगेगा स्टूडेंट्स. तो ही विल कम बैक टू नाइट. ही दे विल कंप्लेन अबाउट अस. तो कंप्लेन है एक्शन वर्ब और विल. ठीक है, जब भी हम फ्यूचर टेंस के बारे में बात कर रहे हैं तो विल और शाल ही आएगा प्लस एक्शन वर्ब. अभी देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमको फ्यूचर एक्शन वर्ब दिया है, हमको सिर्फ उसका फ्यूचर टेंस करना है. क्या करना है, फ्यूचर टेंस. तो हमको क्या लगाना है, विल और शाल ही लगाना है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो लर्न एक्शन वर्ब है. तो अभी फ्यूचर टेंस में बात करना है तो शाल और विल. तो आई विल लर्न, दे विल लर्न टू कुक. ठीक है, ओपन, आई विल ओपन, मैंने अभी तक उसको ओपन नहीं किया, मैं अभी ओपन करूंगी. दे विल बिगिन. तो स्टूडेंट्स, फ्यूचर टेंस में हम शाल और विल ही लगाते हैं. दे शो, द शो विल बिगिन. बिगिन एक्शन वर्ब है, तो विल बिगिन. यू विल सक्सीड. द बॉयज विल कम्प्लीट. कम्प्लीट एक्शन वर्ब है, तो अभी नहीं कम्प्लीट किया, आगे कम्प्लीट होगा फ्यूचर में. ठीक है, तो हमेशा याद रखने का कि शाल और विल लगाएंगे हम और प्लस एक्शन वर्ब. इसमें जो कुछ फॉर्मूलाज होते हैं स्टूडेंट्स, वो हमको याद रखना बहुत जरूरी होता है. ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस. अभी देखिए स्टूडेंट्स, अभी हम देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस और पास्ट टेंस.
तो ये है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि जो एक्शन अभी, जो हमारे रोज की रूटीन, हैबिचुअल, रोज का रेगुलर, आई विल ईट फूड, तो वो तो फ्यूचर टेंस हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो रूटीन की एक्शन है, यू सिंग वेरी वेल, मंडे कम्स आफ्टर ट्यूजडे, ये तो होना ही है, इसके इसमें तो कुछ चेंजेस है ही नहीं स्टूडेंट्स, ठीक है, ये तो हमारा रेगुलर रूटीन है। अगर हमने ऐसा बोला था यू विल सिंग, तो फिर वो फ्यूचर हो जाता, ठीक है, ओके। इसके थोड़े देखो फॉर्मूलाज के, द सिंपल प्रेजेंट टेंस कब यूज करता है, इट इज शोन एक्शन शोन डन अ हैबिट ऑन अ रेगुलर बेसिस, जो रेगुलरली हमारी जो हैबिट, शी वेक्स अप एट 5 o'clock, वो रोज 5 बजे उठती है ना। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये तो ये रोज का ही है, ऐसा तो है नहीं कि कभी सन अर्थ के पीछे घूमा है, तो ये सब आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर। अभी देखो स्टूडेंट्स, ये जो चार्ट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हम एस और ई एस लगाते हैं वर्ब में, सिंगुलर टेंस, सिंगुलर नाउन फॉर सिंगल नाउन, टॉम ईट्स तो एस लगाया हमने, द टीचर टीचेस तो ई एस लगाया, फॉर प्रोनाउन ही शी एंड इट, ही स्पीक्स शी डांसेस इट मूव्स, ही शी और इट के लिए भी हम एस और ई एस लगाएंगे, ओके। प्लूरल, फॉर प्लूरल नाउन के आगे होगा टॉम एंड मैरी ईट, द बॉयज टॉक, ओके। जब वर्ब चेंज नहीं होता, प्रोनाउन जब आगे आता है, आई यू वी एंड दे, आई यू वी और दे, आई स्पीक यू डांस वी मूव दे टीच, तो एस और ई एस वर्ब के आगे लगता है, सिंगुलर नाउन होगा तो, प्रोनाउन होगा तो ही शी और इट, ही होगा तो गर्ल, शी होगा तो ही होगा तो बॉय, शी होगा तो गर्ल, और इट होगा तो कोई वस्तु, ठीक है। और प्रोनाउन आई यू दे वी, जब हम प्लूरल में बात करते हैं, एक से ज्यादा, ओके स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा टेंसेस का रिविजन वीडियो, जब भी वीडियो देखोगे तो टेक्स्ट बुक का पेज ओपन करके ही पढ़ना, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय।